पति की ट्रेन से कटकर हुई थी मौत, अभी तक नहीं मिली आर्थिक सहायता राशि, कलेक्टर से लगाई गुहार। खबर शिवपुरी कलेक्टर से है, जहां जनसुनवाई में महिला ने पति की मौत के बाद आर्थिक सहायता राशि की कलेक्टर से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पार्वतीबाई जाटव निवासी गांव डूंगासरा, हाल निवासी वार्ड नंबर 7 अंबेडकर कॉलोनी ने बताया कि मेरे 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। पति कबूल सिंह जाटव दिनांक 1 जून 2023 को पोल क्रमांक 1140/67 पर दोपहर 2 बजे पर अपने खेत पर जा रहे थे, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ जाने से उनकी कटकर उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मेरे पिता द्वारा थाना बदरवास में दी गई थी, जिसके बाद शव का पीएम कराकर परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था। महिला ने बताया कि मैं गरीब महिला हूं तथा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसके बच्चे उनके पति की आय पर ही आश्रित थे। पति की मृत्यु हो जाने से महिला भूखे मरने की नौबत पर आ गई है, इस कारण महिला ने आर्थिक सहायता राशि की गुहार लगाई है। दादा आपका? मेरा नाम कोमल, ससुर हूँ आप। कौन के ससुर हो? जो कबूला में रहते थे। कैसे खत्म हो गए भाई? रेल से काट के कुछ जा रहा था। हाँ, वहाँ बीत रहा हूँ। कहीं में? रेल की पटरी से घर पर से रेल आ रहे थे। अच्छा, रेल से कट के खत्म हो गए थे। कब की घटना है ये? असाल की। तो अब क्या यहाँ आए हो कलेक्ट्रेट में? क्या कब्जा साथ ही मिल जाए मोड़ी? तो अभी कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिले। संभल की राशि वगैरह तो मिली होगी ना? पंजाब नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। संभल में पंजीयन नहीं है क्या? नहीं है साहब। अच्छा, पंजीयन नहीं था। हाँ। अब क्या चाहते हो आप? अब क्या जा मोड़ी कच मिल जाए। कितने बच्चे थे उसके? 2 मोड़ी और 1 मोड़ा। जो का मोड़ा